हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। सुधा के पति की मृत्यु हुए कई साल गुजर गए थे। सुधा का एक बेटा था जिसका नाम अतुल था। अतुल की शादी तन्वी नाम की लड़की से हुई थी। अतुल शहर में नौकरी करता था और तन्वी गांव में सुधा के पास रहती थी। एक दिन दोनों सास बहू खाना खाने बैठे थे। अरे तन्वी, ये क्या है? माँ जी, ये हरी मिर्च की चटनी है। क्या तूने हरी मिर्च की चटनी बनाई? तुझे पता है हरी मिर्च कितनी महंगी है? मगर माँ जी, अगर मगर कुछ नहीं, आगे से ऐसी बेफिजूल की खर्चे नहीं होने चाहिए। एक दिन तन्वी ने सुधा से कुछ पैसे मांगे। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों, तुझे क्या काम है? वो माँ जी, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है इसीलिए। अरे घर में ही तो रहना है, यहाँ सब कुछ है, तुझे भला किस चीज की जरूरत है? तन्वी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद तन्वी की माँ तन्वी के लिए कपड़े और कुछ उपहार लेकर आती है। आइए समधन जी, क्या हाल है? जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। कैसे आना हुआ? जी बहन जी, होली नजदीक आ रही है, इसलिए मैं अब तन्वी के लिए कुछ गहने और साड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मगर सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही लाई हो? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर कांता सुधा के हाथों में माला की डिबिया और साड़ी दे देती है। सुधा दोनों चीजों को देखकर ही वापस रख देती है और रोते हुए कहती है, हाय 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 रे मेरी किस्मत, मैं विधवा हूँ इसीलिए मेरा साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ये सब। अरे अरे सुधा बहन जी, क्या हो गया? अपनी बेटी की सास के लिए इतनी सस्ती चीजें लाई हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये माला 5,000 रुपए की है और साड़ी भी बहुत कीमती है। फिर भी सुधा वहाँ नहीं रुकती और रोते हुए अपने कमरे से चली जाती है। कांता अपनी बेटी से कहती है, हाय मेरी लाडो, तो कैसे वक्त गुजार लेती है इस औरत के साथ? अरे माँ छोड़ो ना। अच्छा ये सब छोड़, ये बता खुशखबरी कब सुना रही है? माँ, शायद मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है। हाय क्यों, क्या हुआ, तुझे कोई बीमारी है क्या? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर मेरी सास यही चाहती है कि फिलहाल बच्चे ना हो। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ इस बारे में, रुक तू। कांता वहाँ से सुधा के कमरे में जाती है। समधन जी, माँ बनना हर लड़की का ख्वाब होता है, तुम क्यों तन्वी पर जुल्म कर रही हो? आखिर उसके भी तो कोई अरमान है, उसे भी कोई माँ कहकर पुकारने वाला होना चाहिए। ओहो, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली, तुम्हें नहीं पता आजकल के बच्चों के कितने खर्चे होते हैं, आई बड़ी। मगर अतुल की कमाई तो इतनी अच्छी है, फिर भी? तो क्या हुआ, खर्चे भी तो हैं। समधन जी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है, एक औरत से माँ बनने का अधिकार छीन रही है, शर्म नहीं आती आपको? क्या क्या कहा तुमने, ये हमारे घर का आपस का मामला है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कांता रोने लगती है, तभी वहाँ तन्वी आ जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी की तो किस्मत ही फूट गई, ना जाने कैसे गुजरेगी उसकी जिंदगी। और कांता वहाँ से चली जाती है। अरे माँ माँ रुकिए ना, चाय तो पीती जाइए, रुकिए। अरे रहने दो चाय, गैस की बचत होगी। उस दिन तन्वी को अपनी सास के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। वो पूजा घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। हे भगवान, मेरी सास को बदल दे। दूसरे दिन सुबह। अरे ओ तन्वी, मर गई क्या, उठेगी नहीं, सुबह के 9 बज गए। सुधा देखती है तो तन्वी सो रही होती है। माँ जी,
माँ जी आज मुझे बुखार है। सुधा तन्वी के माथे पर हाथ रखती है। अरे अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, रुक रुक मैं जरा डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर आकर तन्वी को चेक करते हैं। माँ जी इन्हें बहुत तेज बुखार है, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, इन्हें वक्त पर दवाई देते रहना। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए ये दवाइयाँ कितने रुपए की हैं? वही 400 रुपए तक आ जाएगी। अरे बाप रे 400 रुपए? माँ जी समझने की कोशिश करो, इनकी हालत बहुत नाजुक है। अरे कुछ दिन पहले तुमने मुझे भी ऑपरेशन के लिए कहा था, मगर देखो मैं अभी तक भली चंगी हूँ। इतना कहकर सुधा डॉक्टर को वापस भेज देती है और अपने घर में पड़ी हुई दवाइयाँ तन्वी को देती रहती है। ये लो, हमारे जमाने में भी बुखार आता था मगर हमने कभी दवाइयाँ नहीं ली, और आजकल की लड़कियों को देखो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिन पर दिन तन्वी का बुखार बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे उसे डेंगू हो जाता है। एक दिन तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी मेहरबानी कीजिए मुझ पे, या मेरे पति या मेरी माँ को बुला दीजिए मेरे लिए, प्लीज माँ जी। अब यही बाकी रह गया था, तुम सबको यही दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। सुधा बड़बड़ाते हुए तन्वी की माँ को फोन लगाती है। तन्वी की माँ फौरन आती है, अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद कांता रोती हुई आती है। हाय हाय समदन जी, आपके लोभ और लालच ने मेरी बेटी की जान ले ली। ये सुनकर सुधा के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। क्या, हाय दैया ये क्या कह रही हो बहन जी? हाँ मेरी बेटी चली गई, तुमने उसे मार डाला। वो मुझे एक बार उसका चेहरा देख लेने दो। हरगिज नहीं, मैं अब आपकी परछाई भी ना पड़ने दूँ अपनी बेटी पर। अरे बहन जी मैं चाहे कैसी भी हूँ मगर दिल की बुरी नहीं हूँ। सालों पहले मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए संयम की ऐसी आदत लगी जो कंजूसी बन गई। बहन जी मुझे माफ कर दो, बहन जी मुझे बस एक बार अपनी बहू को देखने दो, मैं अपनी गलतियों की माफी मांग लूंगी। तभी वहाँ तन्वी आ जाती है। अरे अरे तन्वी तुम ठीक हो? भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे जान तो आपने इसकी निकाल दी थी, अगर एक दिन और देरी हो जाती ना तो आज आपके कंजूसी के चलते हम अपनी तन्वी को खो चुके होते। अरे तन्वी बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अब कंजूसी नहीं करूंगी। बहन जी माफ कर दीजिए, हमने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए नाटक किया था, मगर वो तो अच्छे वक्त पर मैं तन्वी को साथ ले गई, वरना कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाता। अरे बहन जी मुझे माफ कर दीजिएगा, आज और आज खाना खा के जाइएगा, आज मैं खाना बनाऊंगी वो भी अपनी तन्वी की पसंद का। उस दिन के बाद तन्वी की सास बिल्कुल ही बदल गई और सभी हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।